एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर कंप्लीटिंग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आई होप आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में कोई भी डाउट नहीं होगा। छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, आप उसमें स्कोर कर सकते हो, इग्नोर मत करना उस चैप्टर को। सेम गोज विद दिस चैप्टर ऑल्सो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस चैप्टर को छोड़ के चले जाते हैं, बट कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या 4 to 5 मार्क्स टाइप क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को भी स्टार्टिंग से अपने कंट्रोल में रखना जरूरी है इफ यू वॉन्ट टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। नाउ अभी हम देखेंगे डिपॉजिट। जैसे इशू ऑफ डिबेंचर्स हमने थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर 2 में देख लिया था जब हम पढ़ रहे थे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो डिपॉजिट का भी हमने थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन उधर किया था। बट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल्स अबाउट डिपॉजिट्स, मतलब कि जो भी कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं रिगार्डिंग डिपॉजिट्स, वो हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में सीधा सीधा यही बोला है कि आपको एक्सेप्टिंग डिपॉजिट किन किन से अलाउड है। पहले तो आप अपने पब्लिक से, जो जनरल पब्लिक है, जो आम जनता है, उनसे आप डिपॉजिट ले सकते हो, प्लस आप अपने मेंबर से भी डिपॉजिट कलेक्ट कर सकते हो। और ये मेनली बहुत चीपर फंड रहते हैं। क्यों चीपर रहते हैं? क्योंकि जो इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं वो बहुत लो होते हैं। और इसमें फायदा एक रहता है कि देयर इज नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल मतलब कि जो ये लोग रहते हैं, डिपॉजिटर्स जो रहते हैं, वो क्या माने जाते हैं? कंपनी के आउटसाइडर्स माने जाते हैं। दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दी कंपनीज मैनेजमेंट। इनके पास कोई वोटिंग पावर नहीं रहती है, इनके पास कोई ओनर जैसी पावर नहीं रहती है। तो ऐसा होता है कि जो कंट्रोल है वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर या एग्जिस्टिंग ओनर के पास ही रहती है, इवन इफ दे हैज रेज दी कैपिटल थ्रू डिपॉजिट्स। ठीक है, फिर आगे ये शॉर्ट टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म लोन क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में कि इसको हम रेज कर सकते हैं फ्रॉम 6 मंथ टू 36 मंथ। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये बेस्ट अवेलेबल फंड हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। बट एक बहुत बुरी बात है इस चीज को, जब हम डिपॉजिट लेते हैं सेम एज डिबेंचर्स। जैसे क्या होता है, डिबेंचर्स या बोरोड फंड या एनी डिपॉजिट्स आप अगर रेज करते हो तो वो कंपनी के एंगल से बहुत रिस्की हो जाता है। क्योंकि अगर आपने इनका पेमेंट टाइम पे नहीं किया, इनका इंटरेस्ट टाइम पे नहीं दिया, तो दे कैन बी, दिस विल बी वेरी, मतलब कि आपका ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि जो NCLT है, जो कोर्ट्स है, वो आपके पीछे भागने लग सकती है। मतलब इट इज अ वेरी रिस्की ऑप्शन टू रेज डिपॉजिट। हाँ, जब आपको गारंटी है कि हाँ आप इनको धोखा नहीं, धोखा इन द सेंस कि आप इनका टाइम पे पेमेंट कर सकते हो, तभी डिपॉजिट रेज करना अच्छी या नॉन रिस्की बात होती है। सो हाउएवर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कैन बी रिस्की ऑप्शन फॉर दी कंपनी जब वो डिफॉल्ट करते हैं इन रिपेइंग दी डिपॉजिट्स। क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस जो है इनको प्रोटेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक डिबेंचर्स। इनके पास भी डिपॉजिट ट्रस्टीज जैसी इंस्टीट्यूट होती है जो इनके लिए काम कर रही होती है। हमने डिबेंचर्स में जैसे पढ़ा, तो यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में इन डिटेल देखने वाले हैं। सबसे पहला जो 5.1 है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। कि जब कंपनी एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, तो कौन कौन सी कंपनी जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो जैसे हमने डिबेंचर्स में पढ़ा था फर्स्ट चीज, फर्स्ट लेक्चर में, वैसे ही इस फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कि हु ऑल आर द कंपनीज हु कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स। ठीक है, सो ऑल कंपनी लिखा हुआ है, मतलब कि सारी दुनिया की जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड कंपनी है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट, पब्लिक, कुछ भी होने दो कंपनी, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक मेंबर एंड डायरेक्टर ऑल्सो। बट आगे आपको एक बात बोली हुई है, एक्सेप्ट दीज कंपनी, मतलब इन चार कंपनी को छोड़ के सारी कंपनीज डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। सबसे पहले कौन सी कंपनी? तो अगर आप एक बैंकिंग कंपनी हो तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आप NBFC टाइप कंपनी हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो
तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और लास्ट में दिया हुआ है कि ऐसी सच अदर कंपनी जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, मतलब अभी स्पेसिफाई नहीं किया है बट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, अमेंडमेंट आते रहते हैं रूल्स रेगुलेशंस में, लॉ में, तो अगर उस टाइम के हिसाब से उन्होंने दूसरी कंपनी स्पेसिफाई कर दी कि ये भी कंपनी जो है इट इज नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, तो उन्हें भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं रहेगा। तो ये चार पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये तीनों कंपनी तो है ही है, प्लस सच अदर कंपनी एज सेंट्रल गवर्नमेंट भी हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजन सेक्शन 73-76 कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्सेप्टेंस डिपॉजिट रूल 2014 एंड डायरेक्टिव इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। उन्होंने आपको कुछ सेक्शंस बोले हैं, कुछ रूल्स बोले हैं जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं उन स्पेसिफिक कंपनी का नाम इन रूल के हिसाब से, इन सेक्शन के हिसाब से, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी डायरेक्टिव दे सकती है कि ये कंपनी को भी क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब ये कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती इस डेट से। तो ये चार पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी सारी कंपनीज आर अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट इन आर कंट्री। क्लियर, समझ गया ये? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी कंपनी जो है किन किन लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो एक सिंपल सा चार्ट दिया हुआ है आपको कि अगर फ्रॉम मेंबर हो, फ्रॉम मेंबर मतलब कौन होता है, फ्रॉम शेयर होल्डर्स, ठीक है, अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर्स हो तो कौन कौन सी कंपनी में आपको अलाउड रहेगा डिपॉजिट्स देना कंपनीज को, मतलब कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी हो, अगर आप पब्लिक कंपनी हो अदर देन एलिजिबल कंपनी, या आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो, ये आपको समझ जाएगा कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है, तो थोड़ा सा टाइम दो, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बट वो पहला आया है तो इसके लिए मुझे डिस्कस करना पड़ रहा है। सो प्राइवेट कंपनी मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, पब्लिक कंपनी कर सकती है अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एंड एलिजिबल पब्लिक कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। नाउ फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से कौन कौन डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, तो ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी, मतलब इधर जो है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी आर नॉट अलाउड टू इशू डिपॉजिट्स टू पब्लिक। अब ये डिटेल में आपको इधर नीचे दिया गया है, आपको उधर से समझ में आ जाएगा। सो प्राइवेट कंपनी किन किन से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, तो यू कैन सी फ्रॉम मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, तीन लोगों से प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, अपने मेंबर से, अपने डायरेक्टर से, या अपने डायरेक्टर के रिलेटिव से। नाउ इधर आपको ये समझने वाली बात है कि डायरेक्टर के रिलेटिव होते कौन है। तो डायरेक्टर के रिलेटिव, अगर फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टर के डायरेक्टर है तो उसके मॉम डैड, उसके भाई बहन और उसके डॉटर एंड सन, ये छह लोग तो रिलेटिव में आएंगे, प्लस इस इंसान का जो स्पाउस रहेंगे वो भी इस कैटेगरी में, मतलब स्पाउस इन द सेंस वाइफ या हस्बैंड, अगर वो मेल है तो उसकी जो वाइफ है वो भी रिलेटिव में आएगी, और जो वाइफ अगर फीमेल रहेगी तो उसका जो हस्बैंड है वो रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर के कैटेगरी में आएगी। मैम ये आपने कहाँ से बोला, कहाँ लिखा हुआ है, तो ये कंपनीज एक्ट 2013 में रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर को डिफाइन किया गया है, उधर से मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि ये सात लोग होते हैं डायरेक्टर को छोड़ के, मतलब डायरेक्टर तो खुद हो ही गया और प्लस रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन कवर होंगे, तो ये सात लोग कवर होंगे। तो प्राइवेट कंपनी को इन तीन लोगों से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी। नाउ सबसे पहले मैं आपको ना एक डिस्कस करती हूं कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, क्योंकि बार बार आप कंफ्यूज हो गए कि पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी, तो ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी है, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको वही डिस्कस किया गया है कि एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है।
ओके नाउ उन्होंने एलिजिबल पब्लिक कंपनी को बोला है कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जिनका नेटवर्थ जो है इट इज नॉट लेस देन 100 करोड़। मतलब कि अगर आप ऐसी कंपनी हो जहां पे आपका नेटवर्थ 100 करोड़ या उसके ऊपर जा रहा है तो आप क्या माने जाओगे, आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी माने जाओगे। अब नेटवर्थ होता क्या है, तो आपको इधर दिया हुआ है नेटवर्थ का फॉर्मूला। जब आप टोटल पेड अप कैपिटल को, फ्री रिजर्व को, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को ऐड करते हो और जो भी आपके डेफर्ड एक्सपेंसेस है, एक्यूमुलेटेड या मिसलेनियस एक्सपेंसेस है जो आपने अपने बैलेंस शीट में अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं किए हैं, उनको वो डिडक्ट करने पड़ते हैं इस कैलकुलेशन से। तो नेटवर्थ का फॉर्मूला याद रहेगा, पेड अप एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाएगा बट स्टिल फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू नेटवर्थ का फॉर्मूला सिंपल है। पेड अप कैपिटल ऐड करना है, जितने भी अपने फ्री रिजर्व्स हैं और जितने भी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसे हैं उन तीनों को ऐड करके क्या माइनस करना है, सारे डेफर्ड एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, मतलब वो बैलेंस शीट में असेट साइड अभी भी दिख रहे हैं क्योंकि वो अभी तक पीएनएल को चार्ज नहीं हुए, वो आपको डिडक्ट करना है। तो अगर वो चीज, अगर नेटवर्थ आपका 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा दिखा तो आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन जाओगे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि पब्लिक एलिजिबल पब्लिक बनने के लिए आपका कितने से कम नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ से कम का नेटवर्थ नहीं होना चाहिए। मतलब ही कितना होना चाहिए, 100 करोड़ या मोर देन 100 करोड़ आपका हो सकता है एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनने के लिए। नाउ अब दिया हुआ है दूसरा कंडीशन कि अगर आप ये कंडीशन को, ये क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल कर पा रहे हो तो आप दूसरे क्राइटेरिया कौन सा है जो फुलफिल करके भी चांस है कि आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन जाओ। तो दूसरा है टर्नओवर। अब टर्नओवर मतलब बहुत सारे बच्चों को पता होगा, टर्नओवर मतलब हमारा सेल्स, हमारा एनुअल जो सेल रहता है उसको हम कॉमर्स के लैंग्वेज में टर्नओवर बोलते हैं। तो अगर आपका जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है तो आप क्या बन जाते हो, पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन जाते हो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि टर्नओवर किससे कम नहीं होना चाहिए, 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनने के लिए आपको 500 करोड़ प्लस क्या करना पड़ेगा, आपको 500 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर होना चाहिए तभी आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन सकते हो। प्लस इस कंडीशन में एक और क्राइटेरिया है और कंडीशन है इसके साथ कि अगर आप टर्नओवर का क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे, शेयर होल्डर से, अगर आप टर्नओवर का क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। तो कहने का मतलब है कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी अगर आप नेटवर्थ के थ्रू बने हो तो उधर कोई ऐसा नहीं दिया गया है कि स्पेशल रेजोल्यूशन, प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत है, बट अगर आप टर्नओवर का क्राइटेरिया फुलफिल करके एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन रहे हो तो उधर आपको टर्नओवर का क्राइटेरिया के साथ साथ आपको दूसरा एक और कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, मतलब कि आपको शेयर होल्डर से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये अगर आपने कर दिया तो आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन जाते हो। और अगर आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनते हो तो आप मेंबर प्लस आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो हमने इधर देखा था कि मेंबर से एलिजिबल पब्लिक कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, प्लस इधर पब्लिक से भी कर सकती है। नाउ ऊपर वाला पॉइंट जो हमने स्किप किया था, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, कहने का मतलब वो पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाई, तो उनको कौन से दो लोगों से अलाउड है, कौन से लोगों से वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर एंड डायरेक्टर, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड डायरेक्टर। तो ये है हमारा जो हमने पढ़ा अभी
कि कौन कौन सी कंपनी किन किन लोगों से, मतलब अपने मेंबर से या डायरेक्टर से या पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। और हमने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन होती है, कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करके आप एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन पाते हो। तो इतना आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आया हो तो ही आगे बढ़ते हैं, वरना हमको इधर फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने इन डिटेल लिया है। नाउ अभी नेक्स्ट जो है वो आप देख रहे हो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, टर्म एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो इसमें 20 पॉइंट्स है और मोस्ट ऑफ दी बच्चों के मन में यही चल रहा होगा कि मैम ये 20 पॉइंट्स हमको पूछे जा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि 8 मार्क्स के लिए भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसका वेटेज, इस चैप्टर का वेटेज भी उतना नहीं है 8 मार्क्स का, इस चैप्टर में से आपको डायरेक्टली 8 मार्क्स का पूछा जाए। बट हाँ, आपको इस सेक्शंस में से एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, तो इग्नोर भी नहीं कर सकते। बट ये एक खुशी की बात है कि एक साथ आपको इतने सारे पॉइंट तो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको पॉइंट समझने की जरूरत है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है 8th पॉइंट पे, जो इसका 8th पॉइंट है उस पर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन में देखेंगे हम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। मतलब इस टॉपिक में क्या है कि ऊपर वाले टॉपिक में क्या था कि किन किन लोगों से, कौन कौन सी कंपनी जो है किन किन लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। नाउ दिस इज व्हाट की कौन कौन सी कंपनी कितना कितना उन लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, वो किन किन लोगों से था और ये कितना उन लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब कि वैल्यू और डिपॉजिट कितनी एक टाइम पे रह सकती है इन कंपनीज में, वो आपको एक मैक्सिमम लिमिट बता के रखा है इस पॉइंट में। तो सबसे पहला है कि प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, तो उन्होंने बोला है कि चाहे वो मेंबर्स हो, चाहे वो डायरेक्टर हो या चाहे वो रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर हो, जो डिपॉजिट का अमाउंट है वो किससे ज्यादा नहीं हो सकता है, नॉट मोर देन 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। कहने का मतलब है अगर आपके बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल अगर आपको 100 करोड़ दिख रहा है और फ्री रिजर्व आपको अगर 400 दिख रहा है, तो उसका टोटल कितना आएगा, 500 करोड़। इसका 100% कितना कैलकुलेशन के हिसाब से आएगा, 500 करोड़। तो मैक्सिमम जो डिपॉजिट रहेगा इस बैलेंस शीट में इस कंपनी के, तो वो मैक्सिमम अमाउंट रहेगा 500 करोड़। कहने का मतलब है आप चाहे मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करो या डायरेक्टर या डिपॉजिट डायरेक्टर के रिलेटिव से, बट जो मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट है वो 500 करोड़ के ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमने लिमिट क्या दिया है, एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो उसका एग्रीगेट मतलब टोटल का एग्रीगेट का 100%, मतलब 500 करोड़ मैक्सिमम अमाउंट हमारा आ गया। तो वैसा ही हमको नेक्स्ट कंपनीज में पढ़ना है। उससे पहले आपको प्राइवेट कंपनी में एक बात बोली हुई है कि ऐसी कुछ कंपनीज है जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से हो सकता है कि 100% से ज्यादा का डिपॉजिट एक्सेप्ट करना इनको अलाउ किया जा सकता है फॉर सम कंपनीज। मतलब ऐसी कंपनीज हमको पढ़ना नहीं है, मतलब कि कौन से प्राइवेट कंपनी को ऐसा अलाउड है ऐसा हमको पढ़ना नहीं है, बट उन्होंने बोला है सर्टन क्लास ऑफ प्राइवेट कंपनी एज स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट दे आर अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट मोर देन 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो वो सिर्फ याद रखना कि प्राइवेट कंपनी में सर्टन कंपनीज है जिनको ऐसा करना अलाउड है, अदरवाइज जो ऊपर वाला लिमिट दिया हुआ है वही सारी कंपनी को अप्लाई, मतलब सारी प्राइवेट कंपनी को अप्लाई होगी। नाउ नेक्स्ट वन इज पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। अब तो आपको समझ में आ गया कि ये अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी है, तो इस कंपनी में मैक्सिमम कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम हम इस कंपनी में
35% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो पब्लिक, देखो इधर थोड़ी सी ऊपर जो वर्डिंग है वो अलग दी हुई है, बट इनका सिंपल कहने का मतलब जैसे इधर था 100%, इधर जो लिमिट है वो है 35% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। मतलब कि अगर मैं यही एग्जाम्पल को लेके चलूं तो अगर मेरा मैं पब्लिक एलिजिबल पब्लिक अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी की बात कर रही हूं तो इसका टोटल कितना आएगा 500 का उन्होंने कितना लेने को बोला है 35% अमाउंट लेने को बोला है। मतलब अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 35% कितना आएगा इसका 175% डिपॉजिट हम मैक्सिमम अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी में रख सकते हैं, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी में, चाहे वो न्यू डिपॉजिट्स हो, चाहे वो प्रीवियस डिपॉजिट्स हो, कुछ भी रहने दो, चाहे वो मेंबर से रहने दो, चाहे वो डायरेक्टर से रहने दो, लेकिन मैक्सिमम कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं 175 करोड़ रुपीज हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उधर वर्डिंग अलग दी हुई है बट कहने का मतलब जो है, कहने का जो तात्पर्य है वो सेम है। देखो द कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट एक्सीड 35%। कहने का मतलब है मैक्सिमम कितना कर सकती है प्रीवियस डिपॉजिट एंड न्यू डिपॉजिट को मिला के 35%। मतलब ही हम क्या ये पकड़ सकते हैं कि मैक्सिमम लिमिट इनको कितना है 35% का इनको मैक्सिमम लिमिट है ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप एंड फ्री रिजर्व। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी में सिर्फ खास बात यह है कि जो इनका लिमिट है वो मेंबर के लिए अलग और पब्लिक के लिए अलग। जो इनका खास बात है वो मेंबर के लिए लिमिट अलग दिया हुआ है और पब्लिक के लिए अलग दिया हुआ है। मेंबर के लिए दिया हुआ है 10% और पब्लिक के लिए दिया हुआ है 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। बस इतना ही डिफरेंस है ऊपर को लेके। इधर कैसे आपको टोटालिटी में मेंबर हो डायरेक्टर हो जिन लोगों से भी इनको अलाउड है टोटालिटी में आपको 35% का अलाउड किया हुआ है, बट इधर आपको अलग अलग जो लिमिट है वो दिया हुआ है। तो अगर मैं इमेजिन करूं ये क्या है, कौन सी कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी, पब्लिक एलिजिबल कंपनी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेंबर से कितना एक्सेप्ट कर सकती है तो मेंबर का लिमिट उधर कितना दिया हुआ था 10% ऑफ एग्रीगेट, तो आप 10% कितना निकालोगे 500 का 10% मतलब 50 करोड़ ये मेंबर से मैक्सिमम कलेक्ट कर सकती है। और अगर मैं पब्लिक से बोलूं तो पब्लिक का लिमिटेशन कितना है 25%, मतलब 25% अगर आप कैलकुलेट करोगे इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो इधर सिंपल आंसर आना चाहिए 125 करोड़ वो पब्लिक से मैक्सिमम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। हाँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि फॉर एग्जांपल मैम हमने इधर 50 करोड़ के बदले इधर 40 करोड़ ही रेज किया फॉर एग्जांपल, तो क्या ये जो 10% डेफिसिट है क्या हम इधर यूज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा हेर फेर नहीं चलेगा। जिसका लिमिट है उसको उतना ही अलाउड रहेगा मेंबर के लिए 10%, तो 10% चाहे वो प्रीवियस हो फ्रेश हो चाहे वो मतलब मेंबर से, आपको 10% का लिमिट दिया हुआ है, मैक्सिमम उतना होना चाहिए टोटालिटी में, और पब्लिक से कितना होना चाहिए 125 करोड़, ठीक है। तो वही दिया हुआ इधर, कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद, मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर आपका जो फ्रेश डिपॉजिट आप अगर 10% से ज्यादा कलेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने एक नेगेटिव तरीके से आपको सेम थिंग बताइए जैसे प्राइवेट कंपनी में लिमिट बताइए, सिर्फ नेगेटिव तरीके से कैन नॉट एक्सेप्ट अगर वो 10% से ऊपर जाता है और इधर कैन नॉट एक्सेप्ट अगर वो 25% से ऊपर जाता है। उसके नीचे रहा चलेगा लेकिन इसके ऊपर रहा तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। ये मैक्सिमम लिमिट है, याद रखना, मिनिमम आप कितना भी कर सकते हो इसके नीचे। नाउ नेक्स्ट वन इज दी गवर्नमेंट कंपनी।
गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्या लिमिट है, तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऊपर बताया नहीं गया था कि वो किन लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, बट इधर ऐसा दिया हुआ है कि गवर्नमेंट कंपनी किन से कर सकती है, पब्लिक से। पब्लिक से कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, 35% पेड अप कैपिटल, मतलब सेम एज आप अगर इधर पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी, बट उसमें लोग अलग है, इधर मेंबर और डायरेक्टर्स थे और इधर पब्लिक है, पब्लिक से ही कंपनी जो है गवर्नमेंट कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, और मैक्सिमम कितना करेगी, मैक्सिमम 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ दी कंपनी, वो मैक्सिमम 35, मतलब कि उसका भी आंसर 175 आएगा, जैसे हमने पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी में किया था। तो ये है चार कंपनी कौन कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, ये हमने अभी पढ़ा। तो ये शायद आपको फर्स्ट वाला जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट का पॉइंट था, टर्म्स एंड कंडीशन था, वो आपको आई होप अच्छी तरह से समझ गया हो। अगर आपको डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, तो ताकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको अच्छे से बता दूं। ठीक है, जितना जल्दी आप मुझे डाउट भेजोगे उतना जल्दी मुझे चांस मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके, नेक्स्ट वीडियो में ही सॉर्ट आउट हो जाएगा आपके सारे डाउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फॉर रिमेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन। बाकी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है छोटे छोटे हैं, सिर्फ मैंने आपको बोला जो सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट है वो थोड़ा सा बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज के लिए इतना ही गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो जो जहाँ पे हमने ने अपने प्रीवियस वीडियो में एंड किया था, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, और उधर हम पढ़ रहे थे अपना फर्स्ट वाला पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था समझने के लिए कि डिपॉजिट हम किनसे और कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी आर ऑन सेकंड पॉइंट, और वो पॉइंट बोलता है कि व्हाट इज द पीरियड फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब कि जब भी हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे तो उसका टेन्योर, उसका पीरियड मैक्सिमम कितना होना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट। तो उन्होंने बोला है कि हम कोई भी ऐसा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिसका पीरियड जो है मैच्योरिटी का लेस देन 6 मंथ है, या जिसका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 36 मंथ है। इसी का कहने मतलब ये है कि हम मैक्सिमम जो मिनिमम पीरियड हमको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसकी टेन्योर, जिसका पीरियड कितना रहेगा, मिनिमम 6 मंथ तो रहना चाहिए, और मैक्सिमम कितना रह सकता है, तो 36 मंथ, मतलब कि उसको 3 इयर्स बोल सकते हैं, बट इधर आपको मंथ के बेसिस पे दिया हुआ है। तो कोई भी डिपॉजिट का जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जो रिन्यूअल होना चाहिए, वो मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 36 मंथ के लिए हो सकता है। ना उन्होंने नीचे आपको दिया हुआ है कि इन सर्टन सर्कमस्टांसेस कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी को लेस देन 6 मंथ की जरूरत होती है पैसों की, तो उसमें क्यों बिना फालतू में 6 मंथ के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाए। तो इसीलिए सर्टन सर्कमस्टांसेस में ऐसा अलाउ किया गया है कि आप जो है डिपॉजिट रिपेबल करवा सकते हो, विच इज लेस देन या विच इज अर्लियर देन 6 मंथ, बट उसका भी टेन्योर मिनिमम कितना रह सकता है, मिनिमम उसका भी टेन्योर मिनिमम 3 मंथ तो रहना ही चाहिए, मतलब उससे कम का टेन्योर पीरियड हम नहीं ले सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म नीड पूरी करनी है तो मिनिमम 3 मंथ का इन सर्टन सर्कमस्टांसेस हो सकता है, और लेकिन उसका जो मैक्सिमम अमाउंट होना चाहिए, मैक्सिमम ऐसे वाले जो डिपॉजिट्स हैं जिनका 3 मंथ का रिपेबल पीरियड है, तो वो 10% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ दी कंपनी हो सकता है। मतलब कि जो हमने अमाउंट पढ़ा था तो उसमें से आपका 10% ही ऐसा डिपॉजिट निकलेगा, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, जो 3 मंथ के लिए आप एक्सेप्ट कर सकते हो मिनिमम, मतलब 3 मंथ to 6 मंथ के लिए आपका 10% ऑफ एग्रीगेट बनेगा, वरना उससे कम पीरियड का तो नहीं होना चाहिए। इन सर्टन सर्कमस्टांसेस ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिपॉजिटर कंपनी कैन मेक प्री मेच्योर रिपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट। कभी कभी क्या होता है कि जैसे FD में या किसी किसी ये मेनली जो है हम जनरल पब्लिक से लेते हैं, मेंबर से लेते हैं,
तो ये बहुत ज्यादा मतलब कभी कभी इन फाइनेंस के नीड हो जाते हैं, तो कंपनी को वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको हमारा जो डिपॉजिट है वो रिपे कर दो मैच्योरिटी से पहले. क्या वो कर सकते हैं? यस, इन सर्टन सर्कमस्टांसिस वो ऐसा कर सकते हैं. और कंपनी में ऑल्सो रिन्यू इट्स डिपॉजिट विद द सेम टर्म्स ऑफ इश्यू एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेश डिपॉजिट. मतलब कहने का मतलब है अगर किसी डिपॉजिटर का ड्यू डेट आ गया है तो वो डिपॉजिटर रिक्वेस्ट कर सकता है या कंपनी उसका डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है एज अ फ्रेश डिपॉजिट. कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल मैंने एक डिपॉजिट दिया कंपनी को जिसका 24 मंथ का टेन्योर था और वो 24 मंथ खत्म हो गया, इस डेट को आज खत्म हो गया, तो क्या मैं इसको एक्सटेंड करवा सकती हूँ कंपनी के पास ही? तो यस, एज गुड एज आप इसको फ्रेश डिपॉजिट जैसा कंसिडर करने के लिए बोला है और आप इसको रिन्यू करके कंटिन्यू विद कंपनी कर सकते हो. तो यही चीज बोली गई है कि मैक्सिमम कितना 36, मिनिमम 6 मंथ, बट इन सर्टन सर्कमस्टांसिस इट कैन बी लेस देन 6 मंथ, बट कितना लेस देन 3 मंथ से ज्यादा लेस देन नहीं हो सकता है. और उसका जो टोटल अमाउंट होना चाहिए वो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. मैक्सिमम इतना ही अलाउड है कंपनी को 3 मंथ का टेन्योर वाला डिपॉजिट एक्सेप्ट करना. तो ये सेकेंड पॉइंट आपको आई होप समझ में आ गया हो. नाउ लेट्स मूव ऑन थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट आपको बोलता है कि कोई भी आप ऐसा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो जो डिमांड पे किया जाए. डिमांड मतलब जब चाहे डिपॉजिट का रिपेमेंट डिपॉजिटर्स मांग रहे, नहीं, ऐसा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं होता है. ये एक एफडी की तरह है जहां पे डिपॉजिटर प्रॉमिस करता है कि मुझे ये पैसा इतने इतने दिन के लिए नहीं लग रहा है एंड आई एम रेडी टू डिपॉजिट दिस अमाउंट टू यू. ठीक है, तो इसका डिमांड डिपॉजिट नहीं होता है. ये एक टाइम टेन्योर के लिए होता है जो टेन्योर खत्म होने के बाद ही वो रिपे किया जाता है. सो कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट रिन्यू डिपॉजिट रिपेबल ऑन डिमांड. मतलब ऐसे डिपॉजिट और ऐसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं हो सकते हैं जो पेमेंट किए जाए जब चाहे वो डिमांड करे तब. ओके, नाउ फोर्थ वन इज, फोर्थ पॉइंट बोलता है कि डिपॉजिट जो है वो सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी होता है. बस यही है कि कितना अमाउंट आप एज अ सिक्योर्ड करके ले रहे हो और कितना आप अनसिक्योर्ड करके ले रहे हो, ये क्लियरली सर्कुलर एंड एडवर्टीजमेंट में मेंशन होना चाहिए कि ये वाला सिक्योर्ड है, ये वाला अनसिक्योर्ड है. और अगर आप सिक्योर्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो तो हमने डिबेंचर्स में भी देखा था कि आपको क्या क्रिएट करनी पड़ती है, सिक्योरिटी क्रिएट करनी पड़ती है. उसी को हम क्या बोलते हैं, दे हैव टू क्रिएट चार्ज ऑन अ टेंजिबल असेट विद इन 30 डेज फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. तो अगर आपने अनसिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर आपने सिक्योर डिबेंचर नहीं डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो आपको विद इन 30 डेज फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्या क्रिएट करना पड़ेगा, उनके नाम पे चार्ज क्रिएट करने पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे. बट इस पॉइंट में भी आपको बोला हुआ है कि सिक्योर डिपॉजिट्स आप बिना चार्ज के एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो जब भी नेक्स्ट वन फिफ्थ, जब भी आप अप्लाई करोगे कंपनी को डिपॉजिट्स देने के लिए तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा जो फिल करके आपको वो देना है कंपनी को, और आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कि ये जो पैसा आप कंपनी को दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट वो किसी से मांगा हुआ पैसा नहीं है, किसी से बोरोड फंड नहीं है. कहने का मतलब ये आपका खुद का सेविंग सेव्ड फंड है, किसी से उधारी हुई हुई फंड नहीं है. क्या हो जाता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ऐसा करने लग गए कि अरे बहुत अच्छा मौका है, हम क्या करते हैं कि किसी एक्स वाई पर्सन से पैसा उधारी मांग के ये इस पर्सन को हम ये कंपनी को हम एज अ डिपॉजिट दे देते हैं. बट इससे होता क्या है, बाद में डिस्प्यूट्स होते हैं कि कंपनी के पास वो पैसा है जो थर्ड पार्टी का पैसा इसने बोरो किया था. तो कंपनी पहले ही क्या ले लेती है, डिक्लेरेशन ले लेती है कि ये जो पैसा आप हमारे पास डिपॉजिट कर रहे हो वो कौन सा पैसा नहीं है, बोरोड मनी नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ, ज्वाइंट नेम.
क्या हम जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा कि जॉइंट नेम पे हम शेयर्स होल्ड कर सकते हैं? यस, तो जॉइंट नेम पे आप डिपॉजिट्स भी ले सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं और मेरे दो पार्टनर्स हैं, उनके नाम पे ये एक डिपॉजिट हम कंपनी को दे रहे हैं, तो हम तीनों का नाम उसमें लिखा जाएगा, जिसे हम जॉइंट डिपॉजिटर्स बोलेंगे और जॉइंट नेम हमारे रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में मेंशन रहेगा. बट वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3 नेम हो सकता है. जॉइंट नेम में मैक्सिमम कितना होता है? 3 नेम होता है कि मेरे साथ और दो लोग जॉइंट नेम में आ सकते हैं. मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ एंड उनका जो बच्चा रहता है उनके नाम पे एक डिपॉजिट दिया जा सकता है, बट नॉट मोर देन 3. बट ऐसा पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है. नाउ 7th वन इज नॉमिनेशन. अभी ये नॉमिनेशन मतलब क्या होता है? तो नॉमिनेट करना मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपका डेथ हो जाए, आपकी इंसॉल्वेंसी हो जाए किसी भी टाइम पे, तो ये जो डिपॉजिट है वो किसको जाएगा? वो जिसका भी नाम आपने नॉमिनेट किया है कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको वो पैसा जाएगा. जैसे कि मेनली लीगल एयर होता है, बट कभी कभार लीगल एयर से अलग भी पर्सन क्या बन सकते हैं, मतलब नॉमिनेट हम कर सकते हैं. जैसे मेनली जब सेविंग अकाउंट आप ओपन करते हो या एफडी अकाउंट आप ओपन करते हो, तो बैंक यूजली आपसे क्या मांगती है? नॉमिनेटेड पर्सन का नाम मांगती है. यूजली हम अपने फादर मदर का नाम देते हैं, यूजली हस्बैंड वाइफ का, वाइफ हस्बैंड का नाम देती है. तो वैसा ही आपको नॉमिनेशन करना है कि अगर आपके डेथ के बाद ये जो राइट है डिपॉजिट के ऊपर वो किसको ट्रांसफर होना चाहिए, तो नॉमिनेटेड पर्सन के नाम पे ये पूरा ट्रांसफर होता है. और ये करना जरूरी है हर एक डिपॉजिटर को विद कंपनी. नाउ अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरा का पूरा आप अच्छी तरह से देखना, एक भी चीज इधर हमको मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. नाउ स्टार्टिंग विद आर 8 पॉइंट, दैट इज सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट. देखो मेन अभी समझना ये है कि सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यों सर्कुलर इशू करते हैं या क्यों एडवर्टीजमेंट इशू करते हो? तो सबसे पहली बात यही बोली हुई है कि मेंबर को जब आप इनवाइट करोगे तो आप इशू करोगे सर्कुलर. मेंबर को जब आप इशू करोगे डिपॉजिट्स, तब आप सर्कुलर इशू करोगे, और जब आप पब्लिक को इनवाइट करते हो तब आप एडवर्टीजमेंट मार्केट में इशू करते हो. तो ये दोनों डिफरेंस है और यही मेन क्रक्स है इस पूरे पॉइंट का. नाउ अब कंटेंट क्या होना चाहिए सर्कुलर एंड एडवर्टीजमेंट, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताना जरूरी है? तो सबसे पहले सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट में जो चीज होनी चाहिए वो है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन. कहने का मतलब है कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का पीएनएल, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजें सबसे पहले प्रेजेंट होनी चाहिए कि कंपनी की हालात कैसी है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कितना सिक्योर्ड है और कितना अनसिक्योर्ड डिपॉजिट एज अ फ्रेश इशू आप करने जा रहे हो इस एडवर्टीजमेंट या सर्कुलर के थ्रू. व्हाट इज द अमाउंट फॉर सिक्योर्ड एंड व्हाट इज द अमाउंट फॉर अनसिक्योर्ड. तीसरा जो चीज आपको मेंशन करना है वो है आपका क्रेडिट रेटिंग. जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आपको एक रेटिंग लेनी पड़ती है जब भी आप डिबेंचर्स इशू करते हो, तो प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले आपको एक क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है, जिससे कि आपकी कंपनी का जो रिस्क फैक्टर है वो आपकी कंपनी के रिलेटेड बताता है. ताकि हो क्या, जो जनरल पब्लिक है, जो मेंबर है, वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं. तो एक रेटिंग के थ्रू आप इसको दिखाते हो, और ये कोई भी क्रेडिट एजेंसी से एजेंसी से आप क्रेडिट रेटिंग ले सकते हो. बट पते की बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसको एप्लीकेबल है? ओनली फॉर एलिजिबल पब्लिक कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी अगर हो या पब्लिक नॉर्मल वाली पब्लिक कंपनी हो, तो ये चीज आपको लेने की जरूरत नहीं है. ओनली फॉर एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्रेडिट रेटिंग लेने की जरूरत है. नाउ फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है कि जो भी डिटेल रहेगा स्कीम के बारे में वो आपको सर्कुलर एंड एडवर्टीजमेंट में मेंशन करना है. व्हाट एवर द डिटेल्स, जो भी आपको और डिटेल्स जो मेंशन नहीं है वो डिटेल मेंशन करना है. नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज.
कि डिपॉजिट ट्रस्टीज कौन है, जैसे डिबेंचर ट्रस्टी का नाम लिखना जरूरी होता है प्रोस्पेक्टस पे, वैसे ही सर्कुलर एंड एडवर्टीजमेंट और एडवर्टीजमेंट पे आपको डिपॉजिट ट्रस्टी का भी नाम लिखना पड़ेगा। नाउ लास्ट जो चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी वो ये है कि आपने अगर ऑलरेडी डिपॉजिट लिया हुआ है मार्केट से तो वो कितना अमाउंट है, मतलब कितना अमाउंट ड्यू है ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय दी कंपनी, मतलब जो भी आप फ्रेश डिपॉजिट कर रहे हो बट ऑलरेडी आपके पास कितना डिपॉजिट है, ये भी तो एक पॉइंट होना चाहिए, ये भी तो मेंशन होना चाहिए। तो यही चीज आपको मेंशन करनी है सिक्स पॉइंट में। नाउ ये हो गया, आपने सर्कुलर एंड एडवर्टीजमेंट पे ये सारी डिटेल मेंशन कर दी। अब बी पॉइंट में आपको बोला है आपको फाइल करना है ये सर्कुलर ये एडवर्टीजमेंट किसको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फाइल करना है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को आपको फाइलिंग ऑफ कॉपी सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट साइंड बाय ऑल डायरेक्टर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही पॉइंट बी में दिया हुआ है कि जितने भी डिटेल मेंशन है वो अगर आपका फाइनल हो गया है तो एक बार डायरेक्टर सिग्नेचर के बाद आपको वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइलिंग करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट वन इज इशू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। तो ओनली आफ्टर 30 डेज ऑफ फाइलिंग, मतलब जिस दिन आपने फाइलिंग की उसके 30 डेज के बाद ही आप ये सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट इशू कर पाओगे। तो जितना जल्दी हो सके आप फाइनलाइज करो अपने एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर को, फाइलिंग करो उसको रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार को फाइलिंग करने के बाद 30 डेज का गैप होने के बाद ही आप वो क्या कर पाओगे, मार्केट में मेंबर को इशू कर पाओगे विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनी कैन इशू सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। सिंपल सी बात है, ये जो सर्कुलर है ये जो एडवर्टीजमेंट है वो आप मेंबर को किसके थ्रू दे सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू दे सकते हो, स्पीड पोस्ट के थ्रू दे सकते हो या ईमेल के थ्रू दे सकते हो। स्पीड पोस्ट मतलब यही है थोड़ा जल्दी जाएगा, बाकी कुछ नहीं। रजिस्टर्ड पोस्ट थोड़ा ऑर्डिनरी पोस्ट टाइप होता है, स्लो होता है, बट स्टिल आप रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हो या स्पीड पोस्ट या ईमेल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर नाउडेज। आजकल कोई फिजिकल कॉपी उनके घर नहीं पहुंचाता है, ठीक है। नाउ ये तो हो गया सर्कुलर की बात, जब आप लोगों का एड्रेस जानते थे क्योंकि मेंबर आपके कंपनी के हैं, आप उनका एड्रेस जानते हो इसीलिए आप ये तीन चीज कर पा रहे थे। बट अगर आपको एडवर्टीजमेंट इशू करना है, मतलब ही पब्लिक को इनवाइट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर या एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर मतलब जो उधर जैसे महाराष्ट्र में जो मराठी लैंग्वेज वाली न्यूज़पेपर होती है उसको हम वर्नाकुलर लैंग्वेज बोल सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल और कोई स्टेट में जो भी भाषा की न्यूज़पेपर चलती है उनको आप वर्नाकुलर, मतलब उस एरिया में चलने वाली न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर मतलब जो उधर की लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में आपको क्या देना पड़ेगा, एक सर्कुलेशन देना पड़ेगा कि हम कंपनी जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो एज अ पब्लिक तो यू कैन कम एंड आप हमें अपना डिपॉजिट्स दे सकते हो। सो हैविंग अ वाइड सर्कुलेशन इन द स्टेट वेयर द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड, तो जहां भी रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है उसके वन इंग्लिश न्यूज़पेपर में सर्कुलेट होना चाहिए और वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में उधर सर्कुलेट होना चाहिए कि कंपनी इज इन्वाइटिंग जनरल पब्लिक फॉर डिपॉजिट। नाउ अब बात यह है कि जो हम सर्कुलर एंड एडवर्टीजमेंट जो हमने फाइल किया है क्या वो जिंदगी भर वैलिड रहेगा, नहीं। एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि ये जो आपने अभी इशू किया है, जो फाइल किया है उसकी वैलिडिटी क्या है। तो वैलिडिटी आपको डी पॉइंट में दिया हुआ है कि जब भी कंपनी सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट इशू करती है तो उसकी वैलिडिटी है 6 मंथ। और 6 मंथ कहां से काउंट करना है, तो जिस भी ईयर में, जिस भी ईयर में फॉर एग्जांपल आपने 22-23 ये FY ईयर में आपने कहीं मिड में ये सर्कुलर एडवर्टीजमेंट इशू किया था, फॉर एग्जांपल अक्टूबर 22 को किया, तो ये जो सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट है वो वैलिड कहां से रहेगा, तो इसका एंड पीरियड देखो मार्च 23 आएगा और मार्च 23 से जो भी 6 मंथ आएगा, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर
30 तक, सितंबर 30 तक, ये जो भी अक्टूबर 22 को आपने इशू किया था एडवर्टीजमेंट या सर्कुलर, वो इधर तक वैलिड रहेगा। मतलब ये डेट क्रॉस करते ही, 30 सितंबर का डेट क्रॉस करते ही इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। मतलब अब आप इस सर्कुलर एंड एडवर्टीजमेंट के बदौलत डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है। नाउ दूसरा भी एक लिमिट दिया हुआ है कि सितंबर 30 तो लिमिट है ही है, प्लस दूसरा कि अगर आपने इस डेट से पहले अपना एनुअल जनरल मीटिंग रख लिया उस साल का, तो अगर वो सितंबर 30 से पहले का डेट है तो आप वो वाला डेट पकड़ोगे एक्सपायरी का। बस इतना ही है। मैक्सिमम डेट हमको पता है 30 सितंबर, बट उससे पहले अगर हमारा एनुअल जनरल मीटिंग हो गया, जो हम एवरी ईयर लेते हैं, तो अगर उससे पहले हमारा एनुअल जनरल मीटिंग हो गया, क्योंकि उसमें सारे बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज हो जाते हैं, तो वो डेट को अपनी एक्सपायरी ऑफ सर्कुलर एंड एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। इतना ही है ये सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट में। और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है डिपॉजिट के चैप्टर में, क्योंकि मैंने ये बहुत बार देखा है कि ये एग्जाम में पूछा गया है। बाकी का आप करो या ना करो, बट ये जो 8th पॉइंट है वो बाय हार्ट तो आपको होना ही चाहिए। और अब मैं लेक्चर एंड करूंगी, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी ये लेक्चर्स को। सो हम नेक्स्ट पॉइंट में बाकी जो रिमेनिंग अपने 20 टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम फटाफट खत्म करेंगे, जितना हो सके हम सिलेबस को जितना जल्दी कवर करने मतलब कर सके उतना मैं ट्राई कर रही हूँ। पर आपसे उम्मीद यही है कि आप जितने जल्दी जल्दी वीडियो देखो और आप अपने कमेंट हमें भेजो प्यारे प्यारे से कि आपको अच्छे लग रहे हैं। मोटिवेशन जो सोर्स है आपसे ही आता है, तभी हमको मोटिवेशन मिलता है। तो एक थैंक यू, कैसा लेक्चर लगा, ये सारी चीजें हमें मेंशन करके जरूर बताना, अच्छा लगता है। बाकी कुछ नहीं, हमको बहुत सारे पैसे तो नहीं मिल रहे होते हैं, है ना। आपके लिए तो ये फ्री ही है, पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल तो आपके लिए फ्री है, सिर्फ नेट का पैक जाता है आपको, वो तो आजकल टॉक टाइम के साथ आता ही है। तो जरूर मेंशन करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, जिसमें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। हमने लास्ट लेक्चर में, शायद आपको अगर आपने देखा होगा वीडियो, तो हमने लास्ट लेक्चर में 8 पॉइंट तक कवर कर लिया था, जो था वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज सर्कुलर एंड एडवर्टीजमेंट। तो सर्कुलर एंड एडवर्टीजमेंट हमें क्या बोलता था, ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर वी विल स्टडी फ्रॉम 9th पॉइंट, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। तो ऑलरेडी आपने ये नाम सुना हुआ है डिबेंचर्स के केस में, कि डिबेंचर ट्रस्टीज कौन होते हैं, जो एक थर्ड पार्टी होते हैं, एक इंडिपेंडेंट पार्टी होते हैं फ्रॉम कंपनी, जो वर्क करते हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। मतलब कि कैसा होता है कि जो डिबेंचर्स होते हैं, डिपॉजिटर्स होते हैं, हो सकता है कि उनके साथ कंपनी गलत कर जाए, मतलब कि उनका पेमेंट टाइम पे ना दे, उनका इंटरेस्ट ना दे, उनके साथ उनका जो लाइबिलिटी है वो ज्यादा इनकर कर ले। तो ये सारी चीजें जो क्लोज ऑब्जर्वेंस में रहता है, ये डिपॉजिट ट्रस्टी ऑन बिहाफ ऑफ डिपॉजिटर्स करते हैं। तो इनको ये अगर बोला गया है कि अगर जो कंपनी है वो सिक्योर डिपॉजिट इशू कर रही है, एलिजिबल कंपनी है एंड पब्लिक कंपनी है, तो उनको क्या अपॉइंट करना है, वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना है, ठीक है। व्हेन एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट्स, जस्ट अ सेकेंड, ओके, व्हेन एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट एलिजिबल कंपनी एंड पब्लिक कंपनी हैव टू अपॉइंट वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टी, द ट्रस्टीज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर इन केस ऑफ कंपनी डिफॉल्ट इन रिपेइंग द डिपॉजिटर्स। तो मैंने आपको बोला था ये डिपॉजिट ट्रस्टी किस लिए काम करते हैं, कि अगर बाय चांस कंपनी ने डिपॉजिटर्स के साथ डिफॉल्ट किया, तो ये जो लोग होते हैं ये कंपल्शन डालते हैं कि इनका रिपेमेंट तुरंत से तुरंत हो जाए। और ये किस किस डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है, तो जैसे हमने डिबेंचर्स ट्रस्ट डीड देखा था, वैसे ही ये होता है डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। एक ट्रस्ट डीड साइन होता है कंपनी एंड डिपॉजिट ट्रस्टीज के बीच में, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं, और ये साइंड होना चाहिए एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। जो भी ट्रस्ट डीड बना है
जब भी आप सर्कुलर एंड एडवर्टीजमेंट इशू करने वाले हो उसके 7 दिन पहले आपके हाथ में ट्रस्ट डीड साइंड होना चाहिए बाय ऑल डायरेक्टर्स प्लस बाय कंपनी एंड डिपॉजिट ट्रस्टी। ठीक है, तो ये सारी मैंडेटरी थिंग है इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिपॉजिट ट्रस्टी ऑन इट्स ओन और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 1/10 डिपॉजिटर। मतलब अगर डिपॉजिट ट्रस्टी को ऐसा लगता है कि वो डिफॉल्ट कर रहे हैं पेमेंट ऑफ डिपॉजिट में, तो वो अपने खुद की मर्जी से नहीं तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 1/10 डिपॉजिटर। फॉर एग्जाम्पल 100 टोटल डिपॉजिटर्स है तो 10 डिपॉजिटर्स का एप्लीकेशन आने पे वो एक मीटिंग कॉल अप कर सकते हैं। और ये सब मीटिंग कब होगी, जब कंपनी डिफॉल्ट करती है डिपॉजिट का पेमेंट करने में, तो खुद से या ऑन रिक्वेस्ट ऑफ 1/10 डिपॉजिटर वो डिपॉजिटर्स का मीटिंग कॉल अप कर सकते हैं। ये पावर किसको दिया गया है, डिपॉजिट ट्रस्टी को दिया गया है। तो इतना समझ में आया अपना अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। नाउ 10th पॉइंट भी आपको सुना सुनाया है, क्रिएट चार्ज ऑन असेट। तो हमने डिपॉजिट डिबेंचर्स के केस में भी देखा था कि कैसे जब भी हम सिक्योर डिबेंचर्स इशू करते हैं तो हमको कंपलसरी एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिंग चार्ज ऑन असेट। मतलब कंपनी के किसी भी असेट पे एटलीस्ट उतना अमाउंट जितना डिपॉजिटर्स का है उतना मिनिमम अमाउंट की चार्ज क्रिएट करके देनी पड़ेगी। उससे लेस का नहीं हो सकता, उससे ज्यादा का हुआ तो भी चलेगा। सो कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब कि अगर आप पब्लिक से सिक्योर डिपॉजिट इशू कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको किसी भी टैंजेबल असेट के ऊपर सिक्योरिटी चार्ज करनी है या क्रिएट करना है चार्ज फॉर एन अमाउंट नॉट लेस देन द अमाउंट एक्सेप्टेड। मतलब कि अगर अमाउंट है 30,000 तो एटलीस्ट 30,000 या मोर देन 30,000 का तो चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा किसी भी टैंजेबल असेट पे। सो नाउ द मिनिमम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इक्वल टू अमाउंट नॉट कवर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस। बस इतना ध्यान देना है कि आपको चार्ज क्रिएट तो करना है असेट पे, बट जिसका ऑलरेडी डिपॉजिट इंश्योरेंस लिया हुआ है उस पे चार्ज नहीं भी क्रिएट किया तो भी चलेगा। क्योंकि आपको 11th पॉइंट में दिया हुआ है कि एटलीस्ट 30 days बिफोर इशू ऑफ सर्कुलर एंड एडवर्टीजमेंट आपका अगर कोई डिपॉजिट ऐसा रहा जो 20,000 के अप टू रहा, मतलब नॉट मोर देन 20,000, तो उस पर डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना जरूरी है। तो मतलब अगर आप चार्ज क्रिएट करने का सोच रहे हैं तो आप ये जरूर देखिए कि क्या ऑलरेडी उस पर डिपॉजिट इंश्योरेंस लिया हुआ है। अगर लिया हुआ है तो चार्ज सिर्फ उतना ही बैलेंस अमाउंट का क्रिएट करना है जो डिपॉजिट इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड नहीं है। आई थिंक सो, आई होप क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 12th पॉइंट। 12th पॉइंट बोलता है कि आपको किसी भी क्रेडिट एजेंसी से क्या लेना है, क्रेडिट रेटिंग लेना है सेम एज डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में हम क्यों क्रेडिट रेटिंग ले रहे थे, क्योंकि जो आउटसाइडर्स है, जो पब्लिक है, उनको हमारे कंपनी के रिस्क, मॉडरेट रिस्क है, हाई रिस्क है, ऐसे एक इन्फॉर्म डिसीजन मिल जाए बिफोर इन्वेस्टिंग इन दी कंपनीज डिपॉजिट। क्योंकि ये थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए कंपनी थोड़ी क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं है, कंपनी ने कहीं कभी डिफॉल्ट तो नहीं किया है, तो इस चीज का पूरा नॉलेज पब्लिक को होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने मैंडेटरी क्या किया है कि आपको एक क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा एंड वो मेंशन करना पड़ेगा इन सर्कुलर एंड एडवर्टीजमेंट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या क्या चीजें कंसिडर करती है, कंपनी का जो नेटवर्थ होता है वो, लिक्विडिटी पोजिशन, एबिलिटी टू रिपे डिपोजिट ऑन टाइम एंड अकॉर्डिंगली गिव दी रेटिंग। मतलब ये सारी चीजें, कंपनी की सारी चीजें हिसाब किताब से ही, मतलब करके ही उसके बाद रेटिंग देती है कि अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव है तो कंपनी अच्छा रेटिंग देगी, लेकिन अगर वो नेगेटिव साइड है तो हो सकता है कंपनी थोड़ा कम रेटिंग दे। तो रेटिंग शैल बी ऑब्टेन एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट। ये कंपल्सरी किया हुआ है कि रेटिंग आपको एक बार नहीं लेना है बट हर साल लेना है, क्योंकि कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजिशन है वो कंपनी का चेंज होते रहता है, इसलिए आपको हर साल क्या लेने की जरूरत है, क्रेडिट रेटिंग
हेल्पिंग लेने की जरूरत है। नाउ 13th इज ऑब्टेन डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, ओपन डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। अभी ये क्या है, जैसे हमने डिबेंचर्स के केस में देखा था कि क्या होता है, जब रिपेमेंट की बारी आती है तो हो सकता है कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, लेकिन अगर ऑलरेडी कंपनी ने एक रिजर्व क्रिएट किया हुआ है स्पेसिफिकली फॉर डिबेंचर्स या स्पेसिफिकली फॉर डिपॉजिट, तो उसमें से पैसा निकाल के वो तुरंत डिपॉजिटर्स या डिबेंचर्स को पेमेंट कर सकती है। इसीलिए कंपनीज एक्ट ने मैंडेटरी किया है कि एवरी कंपनी जब भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी तो उनको शेड्यूल बैंक में क्या ओपन करवाना है, एक डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट ओपन करवाना है। प्लस ये तो ओपन करवाना ही है, मतलब इसका पैसा कहां से आएगा, इसका फ्री रिजर्व में से ट्रांसफर होगा। इधर डिटेल में नहीं बोला हुआ है, बट आई एम टॉकिंग मतलब ऑन द बेस ऑफ डिबेंचर का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसी कंसेप्ट को लेके मैं इधर आपको समझा रही हूँ कि DRR जो फंड बनेगा, इधर डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व जो फंड बनेगा वो कहां से बनेगा, फ्री रिजर्व अकाउंट से ट्रांसफर होके एक स्पेसिफिक अलोकेटेड फंड बनेगा जो कि किस लिए यूज किया जाएगा, डिपॉजिट को रिपेमेंट के टाइम पे ही यूज किया जाएगा। प्लस उन्होंने बोला है एवरी ईयर 30th अप्रैल से पहले उनको नॉट लेस देन 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग करंट ईयर। सेम जो मैंने आपको डिबेंचर्स के केस में बताया था, इधर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये आपको आपके देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेम मैंने बोला था कि आपको 30 अप्रैल से पहले जो भी नेक्स्ट ईयर आपका मैच्योर हो रहा है ना, वो 30 अप्रैल से पहले पहले आपको एक इन्वेस्टमेंट करना है, और वो इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए। और ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा, आपके बैंक अकाउंट से होगा। दिस अकाउंट कैन बी यूज फॉर ओनली रिपेइंग द डिपॉजिट, एंड दोनों जो भी DRR है और जो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो क्रिएट किया गया है स्पेसिफिकली फॉर किसके लिए यूज होना चाहिए, डिपॉजिट रिपेमेंट के लिए यूज होना चाहिए। मतलब कि कंपनीज एक्ट ऐसा करने की कोशिश कर रही है कि हम पूरी तरीके से जो अपने डिपॉजिटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट रखें। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आएगा 13th पॉइंट। और शेड्यूल बैंक क्या होता है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो शेड्यूल बैंक का भी इधर बुक ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो भी RBI के सेकेंड शेड्यूल में प्रेजेंट है जिस भी बैंक का नाम, उसे हम शेड्यूल बैंक बोलते हैं। और ये कौन सी बैंक होती है, तो ये कुछ सर्टन क्राइटेरिया फॉलो करती है RBI के, और वो क्राइटेरिया फॉलो करते हुए उनको कुछ सर्टन फैसिलिटी दी जाती है बाय RBI, जैसे कि SBI हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, देना बैंक हो गया, ये सब RBI के सेकंड शेड्यूल में आते हैं, एंड देयरफॉर ये क्या माने जाते हैं, कंपनी के शेड्यूल कंट्री के शेड्यूल बैंक माने जाते हैं। इनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज होती है बिकॉज दे फुलफिल सर्टन क्राइटेरिया टू गेट अंडर सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI। तो इतना ही है, इतना सिर्फ समझ लेना, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ उन्होंने कुछ एक नोट दिया हुआ है कि जो 8A, B और 10 और 13 इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो उन्होंने बोला हुआ है कि 8A वाला पॉइंट, जो 8A वाला पॉइंट हमने पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा 10th वाला पॉइंट ये, एंड तीसरा हमने पढ़ा 13th। ठीक है, तो ये तीनों जो मैंने सर्कल मार्कआउट किया है उन तीनों को बोला जा रहा है कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो और आपने 100% से ज़्यादा पेडअप 100% ऑफ पेडअप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज़्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, तो आपको ये सारे जो फॉर्मेलिटीज जो हमने पॉइंट वाइज आपको बताए हैं वो आपको फुलफिल करने की जरूरत नहीं है इनकेस यू आर अ प्राइवेट कंपनी। लेकिन हाँ, 100% से ज़्यादा, क्योंकि हमने देखा था सर्टन प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट मोर देन 100% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी के कंपनीज में आते हो तो फिर आपको क्या करने की जरूरत है, वो सारे कंडीशन भी फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, सो 13 पॉइंट तक हमारा एकदम क्लियर हो चुका है।
नाउ वी विल मूव ऑन 14th पॉइंट, दैट इज डिपॉजिट रिसीप्ट. तो जैसे हम डिबेंचर सर्टिफिकेट दे रहे थे, शेयर सर्टिफिकेट दे रहे थे, वैसे ही हमको एज अ प्रूफ डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट रिसीप्ट देना पड़ेगा. और वो कितने दिन में देना पड़ेगा? फ्रॉम 21 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक. मतलब कि जैसे ही हमारे पास पैसा आया है कंपनी के पास, तो विद इन 20 डेज हमको एवरी डिपॉजिटर्स को क्या देना कंपल्सरी है? डिपॉजिट सर्टिफिकेट, या सॉरी डिपॉजिट रिसीप्ट देना जरूरी है. या आपका जो चेक था, अगर फॉर एग्जांपल आपने कैश नहीं दिया, सो या आपने बैंक के थ्रू नहीं ट्रांसफर किया, चेक के थ्रू किया, तो जैसे ही वो चेक मतलब कि रिलाइज हो जाएगा, मतलब कि वो चेक का पैसा जो है वो अकाउंट में आ जाएगा, तो विद इन उस दिन से आपका 20 डेज कैलकुलेट होगा और आपको उनको रिसीप्ट देने की जरूरत है. सो वो रिसीप्ट जो है साइन होना चाहिए बाय ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. द रिसीप्ट कंटेन द नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द डिपॉजिटर, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल एंड डेट ऑन विच इट इज रिपेबल एटसेट्रा. मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन जो जैसे डिबेंचर सर्टिफिकेट में होती है, शेयर सर्टिफिकेट में होती है, वैसे ही डिपॉजिट रिसीप्ट में सारी इंफॉर्मेशन, डिपॉजिटर का नाम, एड्रेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स वगैरह, कब रिपेबल है अमाउंट, ये सारी चीजें मेंशन होना चाहिए. तो ये सब हमने कहां पढ़ा? 14th पॉइंट में पढ़ा. नाउ नेक्स्ट वन इज 15th, दैट इज रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट. रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट क्या बोलता है? तो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, जैसे हमने रजिस्टर ऑफ डिबेंचर देखा था कि जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उन्हें क्या करने की जरूरत है? उन्हें रजिस्टर ऑफ डिबेंचर मेंटेन करने की जरूरत होती है, जहां पे डिबेंचर होल्डर का नाम, एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें मेंशन करना होता है. वैसे ही कंपनी को एक डिपॉजिटर की सेपरेट रजिस्टर बनानी पड़ती है. जो भी चीजें हैं, जिनको भी हमने डिपॉजिट दिया है या जिनसे भी हमने डिपॉजिट रिन्यू करवाया है, वो मेंटेन करना पड़ता है रजिस्टर. कहाँ पे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में. द डिटेल ऑफ डिपॉजिट अलोंग विद द डिटेल ऑफ डिपॉजिटर शुड बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिट रिसीट. मतलब जब भी आपने डिपॉजिट रिसीट इशू किया है, उसके विद इन 7 दिन के अंदर अंदर आपका क्या बन जाना चाहिए? डिपॉजिट रजिस्टर बनना चाहिए. और उन मतलब कि जब भी जिसका भी आपने डिपॉजिट रिसीट इशू कर दिया है, तो जिस दिन आपने उनका डिपॉजिट रिसीट इशू किया है, तो 7 दिन के अंदर अंदर उनका नाम क्या किस में एंटर होना चाहिए? रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में एंटर होना चाहिए. नेम, एड्रेस, जो भी डिटेल्स हैं डिपॉजिट के रिगार्डिंग. एंड इस तरह आप अपना रजिस्टर ऑफ डिबेंचर फाइनल करोगे, सॉरी रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट फाइनल करके कहाँ पे वो होना रहना चाहिए? आपके कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन होना चाहिए. तो ये था 15th पॉइंट में. नाउ 16th पॉइंट क्या बोलता है? रिटर्न ऑफ डिपॉजिट. रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मतलब कि आपको जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, उनको एवरी 30th June से पहले, ऑन और बिफोर 30th June एवरी ईयर, आपको ये रिटर्न देना जरूरी है कि आपकी कंपनी में कितने डिपॉजिटर करंटली हैं. सो द रिटर्न गिव द डिटेल ऑफ डिपॉजिटर विद द कंपनी एज ऑन 31st March ऑफ दैट ईयर. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप रिटर्न फाइल कर रहे हो 22-23 के, तो 22-23 एज ऑन 31st March 2023 में आपके कितने डिपॉजिटर थे, उनका लिस्ट बनाओगे आप, और उन्हीं को हम रिटर्न बोलते हैं. और वो रिटर्न किसको सबमिट होना चाहिए? ऑन और बिफोर 30th June 2023 वो सबमिट होना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को. एक जस्ट आप बोल सकते हो एक इंफॉर्मेशन की तरह, एक डॉक्यूमेंट की तरह आपको सबमिट करना है रजिस्ट्रार को, ये बताते हुए कि एज ऑन दिस डेट हमारे पास इतने इतने डिपॉजिटर्स थे, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए. नाउ 17th मंथ क्या बोल रहा है? कि जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटर किस पे डिपेंड करेगा? जो गाइडलाइन दिया हुआ है आरबीआई ने फ्रॉम टाइम टू टाइम. मतलब कि
ये एक खास बात है कि डिपॉजिट के केस में आपको क्या देखने की जरूरत पड़ेगी, आरबीआई का गाइडलाइन क्या है उस टाइम पे, और उस टाइम पे आरबीआई ने कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको स्पेसिफाई कर रखा है, और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको क्या देना पड़ेगा, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। बट ये बोला हुआ है कि अगर किसी डिपॉजिट का प्री मेच्योर रिपेमेंट होता है डिपॉजिट का, तो उनसे आप 1% ऑफ इंटरेस्ट डिडक्ट कर सकते हो एज अ पेनल रेट, मतलब कि उनको पनिश करते हुए एज अ पेनल रेट चार्ज कर सकते हो 1% अप टू 1%, और इंटरेस्ट कितना देना है, इंटरेस्ट उतना देना है जितना आरबीआई ने मेंशन किया हुआ है उस टाइम पे। और दूसरा दिया हुआ है इसमें, फॉर डिपॉजिट मैच्योर क्लेम बट रिमेन अनपेड बाय द कंपनी हैज टू पे पेनल रेट एट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% फॉर ओवर ड्यू पीरियड। कहने का मतलब है कोई डिपॉजिट अगर मैच्योर हो गया है और आपने वो अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो उतने दिन के लिए आपको 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको इंटरेस्ट एडिशनल देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा जो आपने प्रॉमिस किया है एट द टाइम ऑफ इशू आरबीआई के गाइडलाइन के थ्रू। प्लस अगर आपकी कोई डिपॉजिट ऐसी है जो मैच्योरिटी हो गई है बट आपने रिपेमेंट नहीं किया है व्हाटएवर द रीजन, तो उतने दिन के लिए आपको 18% से उनको ओवरड्यू अमाउंट पे जो भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है या जितना भी ओवरड्यू अमाउंट अनपेड है उतना आपको 18% से एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो ये था इंटरेस्ट में। नाउ 18th इज राइट टू अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये पॉइंट ऐसा बोलता है कि कंपनी के पास कोई राइट नहीं है कि ड्यूरिंग द टेन्योर आप उनके कोई राइट, आप उनके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करो। यू डू नॉट हैव एनी राइट टू अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट ट्रस्टी, डिपॉजिट इंश्योरेंस, वंस कॉन्ट्रैक्ट, वंस द सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट इज इशूड, डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। मतलब जो आपने सर्कुलर एंड एडवर्टीजमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं और वो एक बार उस टर्म्स एंड कंडीशंस से एक्सेप्ट हो गए हैं, तो आप वो सारी चीजें चेंज नहीं कर पाओगे लेटर स्टेज में, समझा। हाँ, रिन्यूअल के टाइम पे आप उनके साथ एग्री होके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर पाओगे, बट हाँ, लेकिन नॉट ड्यूरिंग द पीरियड और नॉट ड्यूरिंग द टेन्योर। 19th, डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी हैज टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वे ऑफ नोट्स, द मनी रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो उन्होंने बोला है जितना भी आपने डिपॉजिट रिसीव किया है डायरेक्टर से या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, वो चीज आपको अपने डिस्क्लोजर पॉइंट में, बैलेंस शीट के या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर पॉइंट में वो चीज मेंशन करना पड़ेगा कि हमने डायरेक्टर या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से कितना हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। एक्चुअली ये मैंडेटरी होता है एज पर कंपनीज एक्ट कि आप जो भी रिलेशन बनाते हो, कंपनी जो भी है डायरेक्टर से रिलेशन या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से रिलेशन बनाती है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करना जरूरी होता है, क्योंकि मतलब कि डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू ये मेंबर्स को, बाकी पार्टीज को पता चले कि यस, डायरेक्टर या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से ये ट्रांजेक्शन हुआ पड़ा है कंपनी के इस फाइनेंशियल ईयर में। तो पब्लिक का कोई पब्लिक्स का मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मेंबर का मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ओनली फ्रॉम डायरेक्टर एंड रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से अगर आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो वो चीज मेंशन करना पड़ेगा। नाउ लास्ट जो 20th पॉइंट है टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इज पनिशमेंट, कि अगर आपने ऊपर दिए गए कोई भी प्रोविजंस फॉलो नहीं किए हैं, तो आपको एज पर कंपनीज एक्ट, ऑफिसर हो या कंपनी हो, आपको क्या लगेगा, आपको कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट इज पनिशेबल फॉर फ्रॉड। मतलब कि अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो आपको इस सेक्शंस के अंडर आपको पेनल्टी या पनिश किया जाएगा ऑफिसर को एंड कंपनी को। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज पास महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट एक्ट 1999 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। कंपनी इन महाराष्ट्र विल बी पनिश फॉर कॉन्ट्रेविंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑल्सो। तो ये पॉइंट ऐसा बोल रहा है कि आपको पनिशमेंट मिलेगा कंपनीज एक्ट 2013 में, तो मिलेगा ही मिलेगा आपको पनिशमेंट, प्लस
जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है जो मेंशन है इधर नाम, उस एक्ट में भी आपको पनिश किया जाएगा इन महाराष्ट्र अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो ये सारी चीजें लागू होती हैं सारे डिपॉजिटर्स को। ये पॉइंट वाइज एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉट वेरी लॉन्ग टाइप इसमें से क्वेश्चन आएगा, इतना टेंशन मत लो। इतना 20 पॉइंट देख के 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इस चैप्टर में से खासकर, बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स आपको देने के लिए, तो इसको स्किप मत करना, इसको समझ के एटलीस्ट पढ़ लेना जितना भी आपको आता है। और मेन जो मैंने आपको सर्कुलर एंड एडवर्टीजमेंट का बोला वो तो जरूर पढ़ के अच्छे से याद करके जरूर जाना। सो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छी तरह से समझा है। नेक्स्ट लेक्चर हम मिलेंगे विद अ वेरी इजी बट यस लेंथी है थोड़ा सा टॉपिक, बट बहुत इजी है, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फ्रॉम मेंबर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इजी है बट थोड़ा सा यू नो मगिंग पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा है। सो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है वो आपको पता है। टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमने लास्ट लेक्चर में अपना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ये कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर ऑन प्रोसीजरल पार्ट फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अगर आप देख रहे हो तो इधर दो पार्ट है, फ्रॉम पब्लिक एंड फ्रॉम मेंबर। तो अगर आप नोटिस करोगे तो फ्रॉम पब्लिक एंड फॉर मेंबर के जो पॉइंटर्स है वो सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो हम इस लेक्चर में प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक करने वाले हैं और मेंबर वाला पार्ट मैं आप लोगों के लिए सेल्फ रीडिंग के लिए रख दूंगी, क्योंकि दोनों में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, माइनर इक्का दुक्का डिफरेंस रहेगा वो आपको रीडिंग में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या बोला हुआ है कि जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है हमने देखा कि वही क्या कर सकते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा तो ये सेक्शन में हम वही पढ़ने वाले। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आपको क्या होल्ड करना है, बोर्ड मीटिंग होल्ड करना है। तो जैसे डिबेंचर के केस में हमने पढ़ा था कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, अमाउंट कितना इशू करना है एंड कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस पे करना है, क्रेडिट रेटिंग कौन सी एजेंसी से लेनी है, ये सब हमको प्रायर बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वैसे ही डिपॉजिट के केस में आपको एक सबसे पहले बोर्ड मीटिंग हेल्ड करनी पड़ेगी जहां पे सारे चीजें डिस्कस होंगी, सारे चीजों के रिलेटेड रेजोल्यूशन पास होगा कि यस वी आर रेडी टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड सारा जो डिटेल है अमाउंट के रिलेटेड, टर्म्स एंड कंडीशन के रिलेटेड, वो सारी चीजें डिसाइड होंगी मीटिंग में। और दूसरी बात, जो हम सेकेंड स्टेप में जनरल मीटिंग करने वाले हैं तो वो जनरल मीटिंग कब कहां पे करने वाले हैं वो चीज भी इसी बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हो जाएगी। एंड दस अपना पहला स्टेप हो गया कि हमको सबसे पहला क्या करना है, जनरल मीटिंग इस चीजों के बारे में हमको रखनी पड़ेगी। और अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट जनरल मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग कौन सी मीटिंग होती है, जहां पे शेयर होल्डर मीटिंग भी हम इसे बोल सकते हैं, जहां पे शेयर होल्डर को इनवाइट किया जाता है, उनका किसी पॉइंट पे अप्रूवल लिया जाता है इफ रिक्वायर्ड। तो इधर जो है हम जनरल मीटिंग हेल्ड करेंगे जहां पे हम अप्रूवल लेंगे फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम शेयर होल्डर। उस केस में हम स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करेंगे और ये स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी किसको सबमिट करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करनी पड़ेगी और इफ नीडेड तो RBI को भी सबमिट करनी पड़ सकती है। तो सेकेंड जो हमको मीटिंग हेल्ड करनी है वो कौन सी मीटिंग होगी, आफ्टर बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग, ताकि हम स्पेशल रेजोल्यूशन कुछ चीजों का जो अप्रूवल लेना है वो अप्रूवल ले पाए। देन आपको फिर से एक बोर्ड मीटिंग लेनी है। बोर्ड मीटिंग किस लिए लेनी है, तो जो भी आपने सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट किया है उस चीज को अप्रूव करना है कि क्या ये सर्कुलर, क्या ये एडवर्टीजमेंट हम इशू कर सकते हैं मार्केट में, तो वो अप्रूव किया जाएगा। ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन नीडेड अंडर द एक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द एडवर्टीजमेंट। याद होगा मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन में जो 8th वाला पॉइंट है उधर कंटेंट बताए थे कि एडवर्टीजमेंट के
क्या क्या कंटेंट है, तो क्या वो सारी चीजें प्रेजेंट है, क्या ओके है अपना एडवर्टीजमेंट, कुछ रिक्वायर है, कुछ अपडेशन रिक्वायर्ड है, तो ये सारी चीजें देख के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनली क्या करेंगे, उसको अप्रूव कर देंगे बाय गिविंग सिग्नेचर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर बाय दी कंपनी. ओके, नाउ अभी फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, अपना बैंकर सेलेक्ट करना है. बैंकर मतलब सेपरेट बैंक अकाउंट आपको ओपन करवाना है. तो बहुत सारे बैंक है हमारे कंट्री में, तो कौन सी बैंक जो है शेड्यूल बैंक है और कौन सी शेड्यूल बैंक में हमें सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो वही चीज को हम अपॉइंट करेंगे उस बैंकर को, और उस बैंक में हमारे जो भी एप्लीकेंट्स होंगे वो पैसा उसी अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज, हमको क्या ऑप्टेन करना है, क्रेडिट रेटिंग ऑप्टेन करना है. हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि आपको क्रिसिल, केयर, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, तो उनसे एक रेटिंग आपको लेना पड़ता है, और वो रेटिंग आपको एडवर्टीजमेंट एंड सर्कुलर नॉट बट एडवर्टीजमेंट में जब आप पब्लिक को इशू करते हो तब आपको वो कंपल्सरी रेटिंग मेंशन करना पड़ता है फॉर द इंफॉर्मिंग कि आपकी रेटिंग क्या है. देन सिक्स पॉइंट कि आपको क्या अपॉइंट करना है, आपको डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना है. क्यों डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना है, तो वो तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है, बट सिक्स स्टेप में आपको वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना है, जिसमें कि आपको ट्रस्ट डीड बनाना पड़ेगा. और वो ट्रस्ट डीड क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है बिटवीन कंपनी एंड ट्रस्टी. द डीड हैज टू बी साइंड बाय द 7 days बिफोर इशूइंग एडवर्टीजमेंट. ये चीज हमने पहले ही प्रीवियस टॉपिक में देख लिया था कि जो डीड है वो 7 days बिफोर, जब भी वो इशू होगा तो 7 days बिफोर वो डीड साइन हो जाना चाहिए कंपनी और डिपॉजिट ट्रस्टी के बीच में, कि डिपॉजिट ट्रस्टीज हैज गिवन देयर रिटन कंसेंट, दे आर रेडी टू बिकम आर कंपनीज डिपॉजिट ट्रस्टी. नाउ सेवेंथ वन इज टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस. पिछला ही हमने टॉपिक में पढ़ा था कि आपको इंश्योरेंस लेने की अगर जरूरत है, अगर 20,000 के अप टू आपके कोई डिपॉजिटर्स हैं, तो उस केस में आपको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना है, और वो साइंड होने चाहिए एटलीस्ट 30 days बिफोर इशूइंग एडवर्टीजमेंट. सेम जैसे क्रेडिट रेटिंग जैसे अपॉइंट करना जरूरी है डिपॉजिट ट्रस्टी, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी से एटलीस्ट 30 days बिफोर इशूइंग एडवर्टीजमेंट आपको उनसे साइन लेना जरूरी है कि यस यू आर रेडी टू गिव अस द इंश्योरेंस ऑफ आर डिपॉजिट्स. नाउ एट वन इज फाइल अ कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. तो आपको जो भी आप जो एडवर्टीजमेंट इशू करने वाले हो पब्लिक के लिए, तो वो आपको क्या करना है, फाइल करना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहां पे. और वो कितने दिन में होना चाहिए, आफ्टर 30 days आफ्टर फाइलिंग इट विद रजिस्ट्रार द कंपनी कैन पब्लिश द एडवर्टीजमेंट. ये चीज भी हमने पहले ही पता कर ली थी या पढ़ ली थी कि जब आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सबमिट कर देते हो, एडवर्टीजमेंट की कॉपी, उसके 30 दिन के बाद ही आप क्या कर पाते हो, वो इशू कर पाते हो, वो पब्लिश कर पाते हो एडवर्टीजमेंट टू पब्लिक. उससे पहले आपको अलाउ ही नहीं रहता है. तो आपको क्या करना है, 8th point में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ आपके कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट पहुंच जानी चाहिए, और 30 दिन के बाद ही आप उनको इशू कर पाओगे. नाउ 9th one इज एडवर्टीजमेंट टू पब्लिक. सो कंपनी हैज टू इशू, एक बार 30 days बीत गया तो उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर सकते हो 1 English न्यूज़पेपर में, 1 vernacular न्यूज़पेपर में, हैविंग अ वाइड सर्कुलर इन अ स्टेट वेयर कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड. ये भी हमने पिछले टॉपिक में डिटेल में पढ़ लिया था. तो ये 9th step है आपका कि आपको कब एडवर्टीजमेंट इशू करना है. सो आफ्टर 30 days, और वो पब्लिश हो जाना चाहिए 2 newspaper में जिसका स्टेट में वाइड सर्कुलेशन है. यस, एडवर्टीजमेंट आपको अपने वेबसाइट पे भी अपलोड करना पड़ेगा, ताकि अगर किसी को न्यूज़पेपर के थ्रू इंफॉर्मेशन नहीं पता लगी कि ये कंपनी क्या कर रही है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, तो उसको वेबसाइट के थ्रू पता लग जाए, वेब लिंक के थ्रू पता लग जाए. ओके, नाउ 11th point, अब लोगों को पता चल चुका है कि यस ये कंपनी क्या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, तो अब लोग क्या करेंगे,
कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी, मतलब जो लोग हैं वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देंगे विद देयर मनी इन शेड्यूल बैंक, तो वही चीज आपको कलेक्ट करनी है और ये कंपनी के बिहाफ पे बैंकर करेगा विद डिपॉजिट मनी. नाउ 12th वन इज इशू डिपॉजिट रिसिप्ट. अब जो भी लोगों का डिपॉजिट एक्सेप्ट हुआ है विद डिपॉजिट मनी, उन लोगों को आपको क्या करना है, विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट या रियलाइजेशन ऑफ चेक आपको उनको डिपॉजिट रिसिप्ट देना है. दैट इज प्रूफ, एफडी जैसा, एफडीआर जैसा, शेयर सर्टिफिकेट जैसा, डिबेंचर सर्टिफिकेट जैसा, डिपॉजिट्स के लिए डिपॉजिट रिसीट होता है जो आपको डिपॉजिटर्स को 21 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ मनी आपको उनको इशू करना पड़ेगा. थर्ड स्टेप, जो भी आपके सिक्योर्ड डिपॉजिटर्स है उनका क्या करना है, असेट क्रिएट करना है किसी भी इनटैंजिबल असेट पे, सॉरी टैंजिबल असेट पे. मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम वो अमाउंट को कवर करना चाहिए जो जितने अमाउंट का डिपॉजिट है, और ये कितने दिन में होना चाहिए, 30 डेज फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. देन आपको 14th पॉइंट में क्या दिया हुआ है, आपको एंट्री करनी पड़ेगी रजिस्टर्ड में. हमने देखा था आपको नेम पते सब सारी डिटेल जो भी डिपॉजिटर्स हैं, तो विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिट रिसीट देखा था हमने, ये जो भी 7 डेज हो जाएगा जब भी आपने डिपॉजिट रिसीट उन स्पेसिफिक पर्सन को दिया रहेगा, उसका जो नाम है, उसका जो डिटेल है डिपॉजिट का, वो आपके रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में आ जाना चाहिए विद इन 7 डेज. सेक्रेटरी हैज टू एंटर द डिटेल ऑफ डिपॉजिट कलेक्टेड इन रजिस्टर ऑफ डिपेंजर, द एंट्री हैज टू बी वेरीफाइड बाय ऑथराइज ऑफिसर. और ये ऑथराइज ऑफिसर कौन रहेगा, मोस्टली वन ऑफ द डायरेक्टर जिनको ऑथराइज किया हुआ है कि आफ्टर एंट्री आपको वो वेरीफाई करना है कि वो जो एंट्री हुई है क्या करेक्ट डेट पे विद इन डेट हुआ है और क्या अच्छे से सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन, क्लियर इंफॉर्मेशन मेंशन है कि नहीं है, ये ऑथराइज ऑफिसर देखेगा. एंड लास्ट वन इज 15th, फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद रजिस्ट्रार ऑफ डिपॉजिट. तो आपको जो भी डिपॉजिट्स हैं, लिस्ट नंबर जो भी लिस्ट है डिपॉजिटर्स की, वो बिफोर 30th जून एवरी ईयर, मतलब 22-23 अगर हम देख रहे हैं तो जून 23 से पहले, 30th जून 23 से पहले ये पूरा का पूरा लिस्ट किसको चले जाना चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को रिटर्न चले जाना चाहिए कि हमने किससे कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है. तो ये है हमारे 15th पॉइंट. एक्चुअली जो कंसेप्ट है इसका हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. इस पॉइंट में आपने क्या पढ़ा, इस पॉइंट में आपने ये पढ़ा कि कौन कौन से स्टेप, क्या स्टेप होंगे वन बाय वन, जैसे हमने डिबेंचर्स के प्रोसीजर पढ़े थे वैसे ही इसमें कौन 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 से स्टेप है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, वो आपने पढ़ा इन केस ऑफ पब्लिक. और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रॉम मेंबर. तो अगर आप देख रहे हो तो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है. इधर भी 15 पॉइंट है, सिर्फ इधर डिफरेंस क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं तो एडवर्टीजमेंट की जगह आपको सर्कुलर दिखेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एडवर्टीजमेंट हम तब इशू करते हैं जब पब्लिक को इशू कर रहे हैं, पब्लिक से एक्सेप्ट कर रहे हैं डिपॉजिट, और सर्कुलर हम तब इशू करते हैं जब हम मेंबर से एक्सेप्ट कर रहे होते हैं डिपॉजिट. तो इस सेक्शन में और कुछ डिफरेंस नहीं है, स्टेप तो सेम ही रहेगा, वो आपकी सेल्फ रीडिंग के लिए मैं इधर छोड़ रही हूं. स्टिल अगर डाउट आता है तो आपको पता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बोलना है, तभी मुझे कुछ पता चलेगा कि आपको डाउट आ रहा है. तो इसमें सिर्फ सर्कुलर का नाम आएगा एडवर्टीजमेंट की जगह, बाकी कुछ भी अलग नहीं है, और अलग है तो वो आपको समझ में आ जाएगा, इतना भरोसा है मेरी पढ़ाने के टेक्निक पे. तो आई होप आप लोगों को ये पूरा जो चैप्टर है वो आ गया हो. ये चैप्टर छोड़ना नहीं है एटलीस्ट. हाँ, कुछ कुछ पार्ट जो आपको टफ लगता है उसको आप रीड करके उधर छोड़ सकते हो, ताकि आपको एमसीक्यूज तो भी एटलीस्ट सॉल्व करते आएगा. और इसमें से एमसीक्यूज या ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते, इससे ज्यादा वेटेज इसका मत पकड़ के चलना. तो आप ये क्वेश्चन आंसर खुद सॉल्व कर लेना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में विद कॉरेस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स. हमारे 3 चैप्टर हैं,
जो कॉरेस्पॉन्डेंस के रिलेटेड है, 6th, 7th और 8th, और इसमें से 13 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत स्कोरिंग है, छोटे चैप्टर है, लेटर राइटिंग टाइप चैप्टर है, और मैं आपको इतनी अच्छी तरह से करवा दूंगी। तो ऑब्जेक्टिव का, जैसे मैंने आपको बोला है कि ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स आपके हाथ में होने ही चाहिए, वैसे ये लेटर राइटिंग का जो मार्क्स है, वेटेज है 13 मार्क्स, वो तो आपके हाथ में पक्का ही होंगे। तो 6th, 7th, 8th चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ाना चालू कर दूंगी। टिल देन होप यू आर डूइंग अच्छी वाली पढ़ाई आप कर रहे हो, कोई डाउट नहीं आ रहा, एकदम जोरदार आप पढ़ रहे हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कर देना, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें लगी हो या आपको कुछ सजेस्ट करने हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताना, और हमारे ये कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। सो टिल देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।